हेलो एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी सतना। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी क्लासेस का चैप्टर वन और चैप्टर टू डिस्कस कर लिया है। आज हम चल रहे हैं चैप्टर थ्री की ओर, अध्याय तीसरे की ओर, और इसकी हेडिंग है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस चैप्टर में जो लीड रोल है वो नेनुआ का है। नेनुआ के मन में सवाल आया, ये नॉर्थ ईस्ट की लड़की है और ये कभी मध्य प्रदेश गई थी, तो वहाँ पे इसने जो खाना खाया काफ़ी मसालेदार था, और इसके मन में सवाल आया कि क्यों इस देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के खाने बनते हैं। एक ही सब्जी को अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से बनाया जाता है और उसमें मसालों की मात्रा कम ज़्यादा रहती है, ये इसके मन में सवाल था। तो चलते हैं, अब चैप्टर थ्री की शुरुआत करते हैं अपन। तो जो पहली हेडिंग वो है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान जो कि खरीफ फसल है और गेहूं जो कि रबी फसल है, इनको उगाने में अलग अलग तरह का मौसम चाहिए और अलग तरह का जैसे पानी की मात्रा चाहिए। जैसे हम बात करें तो धान की खेती में गेहूं और जौ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जो किसान होते हैं वो अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, अलग अलग लोकेशंस होती हैं। किसान इसके बारे में ज़्यादा जानता है और उसी हिसाब से वो अपने इलाके में फसल को लेता है। तो ये जो हमारा आदि मानव था जो कि भोजन संग्राहक से भोजन का उत्पादक बना है, उसने भी समय के साथ देखा इस चीज़ को कि कौन सी फसल किस मौसम में हो रही है और किस फसल का जो किस प्रकार का बीज उसमें यूज़ करना है जिससे जो फसल अच्छी हो और उसमें कीड़े नहीं लगे, वो फसल जल्दी ख़राब नहीं हो और उसका जो पैदावार है वो भी उसको अच्छी मिले। तो समय के साथ आदि मानव ने खेती और पशुपालन की शुरुआत की। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है किस तरह उसने कृषक और पशुपालक बना है। शुरू में ये जो किसान था, आदि मानव था, वो जो अपने आप पैदा होने वाले जो फसल थी जैसे गेहूं और जौ, उसके जो डंठल हैं, उसके जो बीज हैं, उनको इकट्ठा करता था। बाद में उसने उन्हीं बीजों को वापस ज़मीन पे अंकुरण करवाया और फिर उससे उसने पौधे लेना शुरू किया। इस तरह वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, कृषक बना। उसने पौधों की देखभाल करनी शुरू की, उसने पौधों की देखभाल चिड़ियों और जानवरों से की ताकि वो ठीक से बढ़ सके और उनके उसके जो बीज है वो पक सके और उसमें एक नई फसल हो। तो समय के साथ उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और एक अच्छा कृषक बना। उसने आसपास बहुत सारे जानवरों को भी पालतू बनाया, उनको आकर्षित किया, पालतू बनाया, और कई सारे जंगली जानवरों को भी उसने जो कि दूध देने वाले जानवर थे उनको उसने पालतू बनाया। और समय के साथ साथ जो आदि मानव है वो काफ़ी कुशल कृषक और काफ़ी कुशल पशुपालक बन गया। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर थर्ड है वो चैप्टर सेकंड से भिन्न रहेगा, क्योंकि ये तो पूरी एक किताब है क्लास सिक्स की और हम चैप्टर वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ चैप्टर थर्ड की चैप्टर सेकंड में मिलेगी आपको। जैसे ये पूरा पैराग्राफ है बसने की प्रक्रिया, ये पूरा पैराग्राफ चैप्टर सेकंड से है, तो इसको मैं आगे अभी स्किप कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा वो वाले लेक्चर में। चलते हैं, एक नवीन जीवन शैली। अब यहाँ पर जो हेडिंग है वो इस बात को इशारा कर रही है कैसे एक आखिरटक, एक शिकारी आदि मानव, कैसे उसने पशुओं को पालना और खेती करना सीखा और उसका जो जीवन शैली है वो एक नई जीवन शैली बनी और जिसमें वो बसना शुरू कर दिया, उसने अपना पक्का निवास बनाया है, बसाहट की है और उसने फसल लेना शुरू किया है। वो उसके पास पर्याप्त मात्रा में अब खाने है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी है जीवन की। अब उसे शिकार नहीं करना पड़ता, उसे रोज़ ये उठ के ये सोचना नहीं पड़ता कि आज शिकार करूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो कृषक बन चुका है, उसके पर्याप्त मात्रा में अनाज उगा रहा है और इस अनाज का जो उपयोग है उसने कई तरह को
तरीकों में किया, जैसे कुछ अनाज को उसने बीज के रूप के लिए वापस रखा कि इस बीज का उपयोग करेगा अगली फसल देने के लिए, कुछ अनाज को उसने खाया, कुछ अनाज को उसने उपहार स्वरूप दोस्तों को दिया और कुछ अनाज को उसने भंडारण के रूप में रख दिया कि समय पे अगर भविष्य की सिक्योरिटी के लिए उसके पास कुछ एडवांस में खाना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जो शिकारी आदि मानव था, वो जब अनाज का उत्पादन करना उसने शुरू किया तो उसने अनाज को कितनी तरीके से इसने यूज़ किया। तो अगर कभी सवाल आता है कि अनाज का उपयोग आदि मानव ने किन प्रकारों में किया, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, ये सब आप इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, ये चैप्टर सेकंड से ही उठाया गया है। और इसमें ये जो हेडिंग है खाद्य भंडार की, जानवर चलता फिरता खाद्य भंडार है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो जानवर होता है वो दूध देता है, घास खाता है, दूध देता है, तो वो उसके पास भी कुछ ऐसा खाना है जो कि आदि मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए उसको कहा गया है कि जो जानवर है वो चलते फिरते खाद्य भंडार है। और जब वो दूध नहीं दे पाएंगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे या फिर जब मर जाएंगे, तो उसके शरीर से उसकी जो चमड़ी है उससे वो दूसरा अपना सामान बना सकता है। अब चलते हैं अगली हेडिंग पे, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो यहाँ पे जो मानचित्र सेकंड की बात कर रहा है, ये आपको जो चैप्टर सेकंड है उसमें जो मानचित्र है उसमें देखना पड़ेगा, जिसमें हमने कई सारे लोकेशंस देखी है, नाम गांव देखा है, पुरछोम देखा है। तो शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे, क्या तुम्हें नीले वर्ग जो है यहाँ पे जो नीला वर्ग ये दिख रहा है, नीला वर्ग ये पैलोलिथिक एज का लोकेशन है, मतलब पूरा पाषाण काल वाली लोकेशन है ये। तो ये आप उसको चैप्टर सेकंड वाले मैप को देखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा आपको, ये तो फिर मैं चैप्टर, ये जो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसमें बोल रहा है कि जो नीले वर्ग वाले जो इलाके हैं वहाँ पे शुरुआती कृषक और पशुपालक दोनों मिले हैं, मतलब उस वहाँ का जो आदि मानव था वो कृषक और पशुपालक दोनों था, और ये पूरे महाद्वीप में पाए गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे उस मैप को आप देखेंगे तो उस मैप में ये लोकेशंस मिलेंगी, जैसे ये मेहरगढ़ है, गुफ्रकाल है, बुरजहोम, ये सब लोकेशंस आपको उसमें मिलेगी। और इन इन लोकेशंस में हमने अनाज और हड्डियाँ पाई हैं, जैसे मेहरगढ़ की बात करिए, बोलन पास के नज़दीक है, पाकिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है ये बोलन पास, वहाँ पे है मेहरगढ़। वहाँ पे आपको गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी और मवेशी मिले हैं के साक्ष्य मिले हैं। जैसे हम कोल्डिलवा की बात करते हैं, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है अभी, यहाँ पे आपको चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। बुरजहोम जो कश्मीर में, यहाँ पे गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ बकरी मिले हैं। तो मिले हैं मतलब क्या, जो यहाँ पे जानवर हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं, जो अनाज है उनके अवशेष मिले हैं। तो इस जो चार्ट है इसको आप एक दो बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या मिला है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसको याद करना, काफ़ी आसान है। मेन तो इसमें ये पूछेगा जैसे बुरजहोम की लोकेशन क्या है, तो कश्मीर में। चिरांग की लोकेशन क्या है, बिहार में। हल्लूर की लोकेशन कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में। पय्यमपल्ली जो है स्थल है वो कहाँ पे है, तो वो भी आंध्र प्रदेश में। तो ये इससे एक सवाल बनता है। दूसरा, जैसे आप यहाँ पे देखिए चावल आपको मिलेगा एक लोकेशन, ये एक लोकेशन है, मतलब कोल्डिलवा और महागढ़ा में चावल मिलेगा आपको। इस तरह गेहूं की बात करें, गेहूं के अवशेष आपको चिरान में मिले हैं और मेहरगढ़ में मिले हैं, कुफ्रकाल में मिले हैं। तो एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर कोई कहे कि मैं क्लास 6 एनसीईआरटी की ये चैप्टर 3 से मुझे क्या रिवाइज करना है, तो सबसे मेन तो ये चार्ट है, आपको बिल्कुल देखना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद चलते हैं स्थायी जीवन की ओर। तो आदि मानव को स्थायी जीवन कब मिला, आदि मानव को स्थायी जीवन तब मिला जब वो पशुपालक बना, जब वो कृषक बना। पशुपालक जब बना तो उसके पास काफ़ी पशु हो गए और उसने उसी जगह बसाहट की जहाँ पे उसको काफ़ी हरी भरी घास के मैदान थे, जिससे उसके पशुओं को चारे के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। दूसरा, जब वो कृषक बन गया तो उसके पास काफ़ी पैदावार थी अनाज की, उसके पास सिक्योरिटी थी, उसको जीविकोपार्जन का
साधन उसका पक्का हो गया, उसका लाइफ स्टाइल, उसका जीवन स्तर बढ़िया हो गया, तो वो आदि मानव अब स्थायी जीवन की ओर चल गया। और स्थायी जीवन की हमें जो अवशेष हैं वो ब्रज होम में मिलते हैं, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। इसमें बताया गया है कि ब्रज होम में हमें कुछ जो पुरास्थल है वहाँ का, वहाँ पर झोपड़ियों घरों के निशान मिले हैं। यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे गड्ढा करके उसके नीचे घर बनाते थे, इसे गर्तवास कहा गया है। तो अगर सवाल आता है गर्तवास क्या है, तो यादिवाना ब्रु द्वारा बनाया गया गड्ढे के अंदर एक घर है, जो कि बेसिकली हमें कश्मीर के ब्रज होम में इसके अवशेष मिले हैं। और गड्ढा है, नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कूद के तो जाएगा नहीं, सीढ़ियाँ होंगी उतरने के लिए वहाँ पर। और उन्होंने गर्तवास ब्रज होम कश्मीर में ही क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ पर ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर ठंड से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आपको गर्तवास नहीं मिलेगा। अब जहाँ भी इस तरह की बस्तियाँ मिली वहाँ पे आपको बहुत सारे औजार मिलेंगे। वहाँ पे औजार से वो खेती किसानी के रूप में काम करता था, उस औजार से वो जंगली जानवरों से अपने जानवरों को बचाने का उपयोग करता था, मतलब उसने उससे औजार बनाए। और जहाँ भी इस तरह की बस्तियाँ मिली हैं इनकी, वहाँ पे उनके बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं मिट्टी के, जिसमें वो अनाज का भंडारण करते थे, अनाज को रखते थे, क्योंकि उनके पास एक्सेस अनाज हो रहा था। अब ऐसा है नहीं कि 20 बोरा अगर उसने गेहूँ उगाया है तो 20 बोरा के लिए वो खा जाएगा, उसको खाने कंज्यूम करने में भी समय लगेगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा मार्केट था नहीं कि गया मंडी में और बेच आया, क्योंकि वो सब आदि मानव की हम बात कर रहे हैं। तो जो आदि मानव ने ये दोनों चीज़ में महारत हासिल कर ली, मतलब बहुत अच्छा एक पशुपालक भी बन गया है और बहुत अच्छा वो कृषक भी बन गया है, तो ये हमें दिखता है नवपाषाण या न्यूलिथिक एज में। और नवपाषाण युग का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। और इस टाइम जो उसके औजार है वो भी काफ़ी शार्प और धारदार हो गए हैं। उसको पता है कि मैं किस तरह का औजार बनाऊँगा, तो मैं उसका उपयोग कहाँ करूँगा। अलग अलग औजार इसमें आपको मिलेंगे, कुछ औजार ज़मीन में गड्ढा करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए, ज़मीन की गुड़ाई करने के लिए, ये कह सकते हैं कि प्लाउंग करने के लिए है। कुछ औजार आपको मिले हैं यहाँ पे, जो कि जिसका उपयोग उसने लकड़ी में बांध के, मतलब एक तरह से कुल्हाड़ी या फरसे के रूप में उपयोग किया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जानवरों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। और ये चित्र देखिए, इसमें ये एक तरह से लोटा या मटका जैसे है, इसमें वो क्या रखता होगा, इसमें उस वो अपना अनाज रखता होगा। और अनाज में हमने बेसिकली क्या देखा है, चावल, गेहूँ, दलहन, जौ, ये सारे अनाज नवपाषाण युग का जो मानव है वो इनकी खेती कर रहा था। अब अन्य रीति रिवाज, अब उनके पास खाने को है, उनके पास रहने को है, तो वो उनके कुछ कस्टम्स होंगे, उनके कुछ रिचुअल्स होंगे, वो अपना जीविकोपार्जन में किस तरह के नए नए तरीके से जी रहे थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि अन्य रीति रिवाज जो हमारी हेडिंग है, इसमें ये कह रहे हैं कि पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, प्राय ऐसे कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते थे। तो जो ये जो आदि मानव थे नवपाषाण युग के, ये जहाँ रहते थे, कई सारे लोग वहाँ पर रहते थे, तो उनके पूरे समूह को जनजाति कहा गया। और ये जो लोग हैं इनके रीति रिवाजों के बारे में जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट उनको ज़्यादा तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ मालूम ये चला है कि ये जो लोग हैं ये पुनर्जन्म पे भरोसा करते थे। इसलिए इन्होंने जहाँ जहाँ जब किसी की मृत्यु हो गई तो उसको जब दफनाया, और जब हमने उनकी कब्र खोदी और देखा, तो उस कंकाल के साथ, उस डेड बॉडी के साथ कुछ खाने पीने का सामान या कुछ ऐसे आइटम या ऐसे जिसे हम कहते हैं श्रृंगार की वस्तुएँ या गहने, जो कि उसका उपयोग वो कर रहा था। और ये ऐसा मानते थे कि अब यहाँ से इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये जिस दुनिया में आएगा उस दुनिया में इसको वापस जीवन मिलेगा, और वहाँ पे उसके लिए खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए सामान उसके साथ ही उसकी कब्र में दफन कर दिए जाते थे। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो आदि मानव है वो भी पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करता था। अब यहाँ पे जनजाति जो है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं कि अगर आपसे पूछा कि नवपाषाण युग में जो जनजातियाँ हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताइए, उनकी कुछ विशेषता बताइए,
तो उसमें आपको लिखना है कि जनजाति के जो सदस्य हैं वो उन्होंने अपने काम बांट के रखे थे। जैसे जो महिलाएं हैं उनका काम ये था कि जो फसल हो गई, निकल गई, जब अनाज मिल गया तो उसको पीसना, कूटना, उसको रखना, उसको साफ़ करना, ये सब काम मुख्यतः महिलाओं का था। जो बच्चे हैं इस जनजाति के, उनका मेन काम यह था कि पौधों की देखभाल करना, कि पौधों को बचाना, चिड़ियों से, जानवरों को दूर भगाना, ताकि पौधे सही से उग सके। जो इन जनजाति में जो पुरुष वर्ग है उनका मेन काम ये था कि फसल लेना, खेती करना, जानवरों को चराने ले जाना, उनको उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था करना। ये अलग अलग जेंडर वाइज काम बटे हुए थे मोटे तौर पे। तो जो यहाँ के पुरुष थे वो बड़े बड़े झुंड लेके जाते थे जानवरों के और उनको चराते थे। जानवरों की सफाई करने का काम, दूध निकालने का काम ये स्त्री पुरुष दोनों किया करते थे, मिलके करते थे। इसी प्रकार बर्तन बनाना हो, टोकरी बनाना हो, औजार बनाना हो, झोपड़ी बनाने का काम भी स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। और इनके जीवन में गाना, नाच, घरों का सजावट आदि भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं जनजाति में, मतलब इन्हीं जो ग्रुप ऑफ पर्सनस है, इनमें जो सीनियर व्यक्ति था, जो वृद्ध व्यक्ति था, उसको नेता मान लेते थे। जो अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी वृद्ध व्यक्ति यानी बुढ़ा व्यक्ति है, उसको आमतौर पर नेता मान लेते थे कि ये हमारे मुखिया हैं। आज भी होता है कि गाँवों में तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते, लोग उनकी बात सुनते हैं। जो नौजवान होते थे वो योद्धा बन जाते थे। योद्धा यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि कोई आर्मी थी, इनको कहीं लड़ना था, बस ये कि कभी कोई हम पे हमला करे या कभी जानवरों आ जाए या फिर जंगली जानवरों को भय हो तो हम ये व्यक्ति लड़ने जाएंगे। कुछ नौजवान व्यक्ति पुरोहित बन जाते थे। जो महिलाओं को ज्ञान था, विशिष्ट ज्ञान था कुछ, उनको भी अच्छा सम्मान मिलता था। और इनकी इन जनजातियों में भी जो कला संस्कृति थी काफ़ी समृद्ध थी। इनकी खुद की भाषा थी, संगीत कहानियाँ थी, चित्रकारी थी, इनके अपने देवी देवता थे। और यहाँ पे जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। ये बिल्कुल याद करने वाली बात है। यहाँ पे कोई मेरा तेरा वाला भाव नहीं था। जो जमीन है, जो जंगल है, घास है, सबका है, इस कम्युनिटी का है, सामुदायिक का है, और इसका उपयोग भी सभी करते थे। और इसमें गरीब अमीर के बीच में कोई खास अंतर नहीं था, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनजाति समाज जो नवपाषाण युग का था या जो आदि मानव जनजाति समाज था उसकी विशेषता बताएं, तो आपको इसकी कुछ विशेषताएं बतानी। अब यहाँ पे गांव की डेफिनेशन दी है, गांव की क्या परिभाषा है। तो यहाँ पे गांव को की यह विशेषता है कि वहाँ पे रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते, मतलब मुख्यतः कृषक रहते थे, उन्हें गाँव कहा गया है। लेकिन ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे मेहरगढ़ का एक केस स्टडी लिया गया। मेहरगढ़ कहाँ पे है ये आपको मिलेगा, आज के पाकिस्तान में। तो ये जो मेहरगढ़, इसकी लोकेशन बताई कि ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। और मेहरगढ़ ही वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ और उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो आरंभिक हम स्थल मानते हैं वही मेहरगढ़ को ही मानते हैं। और यहाँ पे जो खुदाई की गई, इन्हें अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं यहाँ पे। और कई स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली, इससे मालूम चलता है कि यहाँ के लोगों ने भेड़ बकरियों का को ज़्यादा पर उनको पाला था। और मेहरगढ़ में जो घर मिले हैं वो चौकोर और आयताकार के, मतलब स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगल शेप के हैं, और इसमें चार से ज़्यादा कमरे हैं। और ये बताते हैं कि ये जो कमरे हैं, जैसे ये ड्राइंग है, ये मेहरगढ़ के किसी घर की है। तो ये बताते हैं कि ज़्यादा कमरे इसलिए रखे जाते थे कि अनाज जब अधिक होता था तो उसके भंडार करने में आसानी रहती थी। एक यहाँ पे पैराग्राफ है पहले और बाद के स्तर में। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये है कि जब खुदाई की जाती है तो सबसे पहले, जैसे हमने खुदाई शुरू की, सबसे पहले हम नंबर एक में पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ मिल रही है वो उसकी उम्र, उसका साल बहुत कम है, मतलब वो कम पुरानी है। और जो सबसे नीचे मिल रही है, जैसे चौथे नंबर पे जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि सबसे पहले चौथे नंबर वाली जो जानवर है या हड्डी या पेड़ है वो दफन हुए थे। उसके ऊपर बाद फिर हवा पानी की वजह से उसमें मिट्टी चढ़ गई, उसके ऊपर फिर
तीसरी परत आई, फिर सेकंड परत आई, फर्स्ट परत आई। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछे कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्तर दो और तीन को देखो और कौन सा ज़्यादा पुराना है बताओ, तो दो और तीन में सबसे पुराना, इन दोनों में पुराना तीन होगा, और इस पूरे डायग्राम में सबसे पुराना चार होगा। मतलब इस चार वाले जो स्तर है यहाँ पे अगर कोई हड्डी मिल रही है किसी भी जानवर की, तो हम मानेंगे कि इसकी उम्र इन सबसे ज़्यादा है, मतलब ये बहुत साल पहले या इन सबसे ज़्यादा साल पहले यहाँ पे दफन हुआ था। अब यहाँ पे एक कब्र बताई गई है, और इस कब्र में मेहरगढ़ की कब्र है, उसमें बताया गया है कि मनुष्य के साथ बकरी का भी कंकाल मिला है। ये वही कॉन्सेप्ट है पूरा कि पुनर्जन्म की बात है, और ये जो व्यक्ति है ये जब कहीं और जीवन लेगा तो वो बकरी उसके खाने के काम आ जाएगी। अब यहाँ पे बोला है कि दाऊ चली हेडिंग, इसको आपको जो चैप्टर सेकंड है उसकी मैप में देखना है, ढूंढना है। और इसके बारे में बात की गई कि ये जो स्थल है ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी है, और यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। खरल और मूसल का उपयोग अनाज को कूटने में होता था। बहुत से आप लोगों के पुराने घरों में, गांव के घर में शायद आपको मूसल मिल जाए अभी भी। इससे पता चलता है यहाँ के लोग भी अनाज उगाते थे, और यहाँ पे जेडाइट पत्थर भी मिला है, और संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। और यहाँ पे लकड़ी काठाश्म मिला है, और ये काठाश्म जो होता है ये काफ़ी पुरानी लकड़ी होती है जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। मतलब है वो लकड़ी, लेकिन वो इतने हजारों सालों से जमीन के अंदर रह कर पत्थर बन गई है। और कुछ औजारों बर्तन भी मिले हैं। अभी एक यहाँ पे एक होमवर्क टाइप है कि एटलस में तुर्की को थोड़ो और देखो कि किस बीच में है वो, कौन से भूमध्य सागर के पास है और उसके ऊपर कौन सा सागर है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ी और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहियों वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवर को पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये आपके लिए भी सवाल है कि आप देखिए टर्की कहाँ पे है, टर्की की राजधानी क्या है, उसके ऊपर कौन सा समुद्र है, नीचे कौन सा समुद्र है, और ये क्या वो लैंडलॉक्ड देश तो नहीं है, अगर उसके पास समुद्र की सीमा है तो कौन सी समुद्र की सीमा है, सब आपको देखना है। दोस्तों ये रहा चैप्टर थर्ड, बेसिक सी बातें जो अगर आपको पूछे कि चैप्टर थर्ड में मुझे क्या रिवाइज करना है, तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना है इसमें वो जो चार्ट है ये कि कहाँ पे क्या मिला है। दूसरा आपको ये देखना है गर्दवास क्या है, और गर्दवास का जो मेन एग्जांपल है वो कहाँ है, वो बुरजोम कश्मीर का है। तीसरा अगर आप मैं बोलूँ तो इसमें आपको जनजाति की विशेषताएं पकड़नी है कि जनजाति की क्या क्या विशेषताएं, दो तीन चार विशेषताएं आप इससे उठाइए। और मेहरगढ़ के बारे में ये पैराग्राफ जो बिल्कुल पढ़ लीजिए। तो ये हुआ दोस्तों चैप्टर थर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज से पसंद आ रही होगी। फिर से कहता हूँ कि ये दोस्तों क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है, ज़्यादा इससे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको बहुत सारा फैक्ट मिलेगा, लेकिन ये आपके बेस बनाने के लिए हो रहा है। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट भी मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा नोट डाउन करने के लिए मटेरियल भी होगा। लेकिन अच्छा है कि हम अगर सीरीज वाइज चले तो कम से कम ये छोटे छोटे लेकिन मोटे सवाल कभी एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो हम फंसे नहीं। ये जनजाति की विशेषता क्या होती तो हमारा दिमाग चला गया भील और गोंड जनजाति में, ऐसा नहीं। जब आदिम जनजाति की बात की जा रही तो अगर आप ये सब बताएंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।